विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षण रक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्रीरूपसनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करि चरण वंदन जाहिज विघ्ननाश विष्ठ पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्रीवास पंडित की श्री श्री सकल आचार चरण की गजरानी राधा रानी की श्री गृंद बिहारी बिहारनी सरकार की श्री लाडली लाल की श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद की श्री राधा सुधा निधि की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि परम मंगल में अकारण करुणा गुणल है श्री गुरु महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्रील प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्रील राधा सुधा निधि के माध्यम से हम लोग प्रिया जी के कृपा का अवलोकन करेंगे। राधा सुधा निधि सुनक छवि निंदनतम अभूजद्वयम् प्रोधिकृत्य श्री गौरांग महाप्रभु जब भी हरी हरी बोलते थे हरी वो तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा देते थे उस श्री गौर का ध्यान करते हैं। प्रोधिकृत्य हरी हरी इति उच्चै मुहुः वदन्तम्
बार बार जो बोलते रहते हैं हरी हरी, और इसके साथ द्रुत नृत्यंत, महाप्रभु का नृत्य की प्रशंसा सभी लोग किए। ऐसा नृत्य आज तक कोई किया नहीं, न कृष्ण किए न राम की, कोई नहीं किया जो गौर का नृत्य, जिनके नृत्य को देख करके जड़ चेतन सब में चेतन था। द्रुतम नृत्यंतम, और नृत्य करते समय उनकी आंख से नेत्र से अश्रु कैसे निकलते थे, तो अश्रु निर्जयी रचयन पूर्वी तलम सिंचन था। जिन श्री महाप्रभु के नृत्य नृत्य करते समय अर्जुन अश्रु निर्झरणी से धरातल को सिंचन कर रहे हैं, संपूर्ण जगत वासियों को श्री गौरांग का अश्रु और पार्षदों से घिरे हुए हैं, वैसे गौरचंद्र को निज पार्षदय परिवृतम गायंतम श्री गौरचंद्रम, वैसे श्री गौरांग महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। इसके पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रबोधानंद सरस्वती का भगवान का जब भी इस जगत में अवतार होता है तो वैकुंठ के पार्षद या गोलोक के पार्षद इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान का अवतार विविध होता है, बहुत से अवतार है। उन अवतारों में 24 अवतार की गणना की गई है, उसमें भी भगवान के अवतार है मनमंत्रा अवतार, लीला अवतार, चुगा अवतार, शाक्तावेशा अवतार इत्यादि अवतार को 6 भाग में बांटा गया है। उसमें भी 2 मुख्य अवतार लीला अवतार, राम और कृष्ण। भगवान जब जगत में आते हैं कुछ सेवा करने के लिए, सेवा वैकुंठ जगत को गोलोक को इस पृथ्वी पर अवतरण कराने के लिए जब आते हैं तो संपूर्ण शक्ति के साथ आते हैं, जैसे राम के रूप में आए तो उनके साथ चतुर्व्यूह भी आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जब श्री कृष्ण आए तो उनके साथ वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध तद्विन, और जब श्री गौरांग महाप्रभु है तो श्री गौरांग महाप्रभु के साथ भी ये चारों तत्व है, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध चतुर्। और गौर अवतार का मुख्य प्रयोजन है कि राम में जितने परिकर है, श्री कृष्ण के जितने परिकर है, वे समस्त परिकर गौर अवतार, क्योंकि गौर अवतार में त्रेता से अधिक काम, राम से अधिक काम कृष्ण की जगत में आया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के इस जगत में आए थे, उसी तरह श्री कृष्ण आए तो लीला देने के लिए, लीला होता है, तो उन राम से भी अधिक काम श्री कृष्ण ने किए, और श्री कृष्ण से भी अधिक गौर महाप्रभु के लिए। इस कलयुग में आकर के अनधिकारी को अधिकारी बनाए, भगवान राम ऐसा काम नहीं कर पाए, जो दुष्ट था उसको मारकर भेज देते, कृष्ण भी ऐसा काम थे, लेकिन गौर महाप्रभु एक आदमी को भी मारे, रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक पतित जीव इस कलिकाल के प्राणी, लेकिन किसी को गौर ने मारा नहीं, परिवर्तन कर। यह श्री गौरांग का विशेष अवतार, मरने के बाद एक भगवान प्रेम देते हैं और एक भगवान सशरीर प्रेम देते हैं। मनुष्यों को तो छोड़ो, पशु पक्षी बाघ सिंह भालू, यहाँ तक पत्थर को प्रेम देने वाला श्री गौरांग का शरीर है, ऐसा गौर आया गया। जब श्री गौरांग महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलाचल आए और नीलाचल में सार्वभौम भट्टाचार्य श्री गौरांग महाप्रभु से प्रभावित होकर के कृष्ण भक्त बन गए, और उस समय इस पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्वान थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वे बृहस्पति के अवतार थे, इनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु के केवल दर्शन करने मात्र से
शास्त्रार्थ तो बाद में हुआ, दर्शन से ही पिघल गए। जब श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके बेहोश होकर गिर गए थे, और जब सार्वभौम भट्टाचार्य आए महाप्रभु का ये अष्ट सात्विक विकार देकर दिव्य, तभी वे समझ गए कि साधारण व्यक्ति श्री अंग को देख कर ही बिल्कुल प्रगट। यहाँ तक कि जब संसार में बड़े बड़े विद्वानों को पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त हो गए, और खास करके प्रबोधानंद सरस्वती, उस समय प्रबोधानंद सरस्वती इतने भारी विद्वान थे कि इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। 10,000 सन्यासियों की काशी में, काशी विद्वानों का गढ़ था, उसमें वे बन गए थे आचार्य गुरु। जब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रभाव से सार्वभौम भट्टाचार्य महात्मा बन गए, भक्त बन गए, तो वे चिढ़ गए प्रबोधानंद से, और वहीं से गाली देना प्रारंभ किया काशी में। लेकिन वो गाली जाता नहीं था, वहां चिढ़ तो गए थे, बहुत गंदे गंदे गाली देते थे गौर महाप्रभु। एक तो सन्यासी है, असमय में सन्यास ले लिया छोटे अवस्था में, इंद्रियों पर तो उसका भरोसा है नहीं, वो भी गौर और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाता है। भक्त लोग सुन करके बड़ा कष्ट होता था। उस समय तपन मिश्र मराठी ब्राह्मण इत्यादि थे जो श्री गौरांग महाप्रभु के परम प्रिय थे, वे लोग जब सुनते थे तो उन लोगों को बड़ा कष्ट होता था। चैतन्य चरितामृत में तो लिखा गया है कि पहले तो चिट्ठी लिखे प्रबोधानंद सरस्वती ने, चिट्ठी लिखा है, कोई जा रहा था जगन्नाथपुरी तो दे दिया कि जान दे दे, और उस चिट्ठी में लिखे थे कि मूर्ख चैतन्य महाप्रभु को मूढ़ कहे, मूढ़ संसार में तुम मूढ़ की तरफ इधर उधर क्यों घूम रहा है, यदि तू संन्यास ही लिया तो परम पावनी गंगा जी के तट पर जहाँ साक्षात भगवान शंकर रहते हैं, मणिकर्णिका जैसा दिव्य पवित्र घाट है, वहां आकर तुम भजन करो, मृग मरीचिका की तरह इधर उधर क्यों भटक रहा है। जब श्री गौरांग महाप्रभु इस पत्र को पढ़े तो महाप्रभु को थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन महाप्रभु ने भी चिट्ठी लिखा, जत्रास्ते मणिकर्णिका भगवतः पादाम भागीरथ, आप जिस गंगा जी की महिमा गा रहे हैं वह गंगा जी भी तो श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली, और मणिकर्णिका जैसे परम पवित्र जिस तीर्थ को मानते हैं वह भी तो श्री कृष्ण का पसीना है, और जिस शिव जी की इतनी भारी महिमा गाते हैं वो शंकर जी भी तो जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करके काशी वासियों को मुक्त करते हैं, इसलिए तस्मात कृष्ण पदाम भुजम भज सके, वो मूढ़ कहे, अरे मूढ़ कहाँ भाग रहा है। और गौरांग महाप्रभु कहे कि तस्मात कृष्ण पदाम भुजम भज सके, हे सके, उसी श्री कृष्ण के चरण कमल का आप आराधना कीजिए। इस प्रश्नोत्तर को सुन करके प्रकाशानंद सरस्वती तो ऐसे ही आ गए, अब तो कुछ बोलने की नहीं रहा, लेकिन सोचा कि ये गौर जगन्नाथ जी का प्रसाद समझ के प्रसाद की इतना भारी महिमा गाते हैं और अखंड भोजन करते हैं, तब उसने चिट्ठी लिखा, प्रकाशानंद सरस्वती चिट्ठी लिखे, लिखे कि विश्वामित्र पराशरो प्रभृतयो वातां उपर्णासिनः एते स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्टैव मोहम्। विश्वामित्र पराशर प्रभृति बड़े बड़े जोगी जति लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके एकांत में वास करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, वे भी यदि किसी स्त्री का मुख को देखते हैं तो मोहन गता मोह हो जाता है। असाल्यान सघृतम पयोधि भुक्ते जे मानव, जो मानव दूध दही घी मधु खाता है, और वह यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले तो एक साधारण पक्षी भी समुद्र पार कर। महाप्रभु को इतना बड़ा गाली भी कटा, इस गाली को सुन करके महाप्रभु चुप और कुछ बोले नहीं। इतना बड़ा विद्वान से लोग ऐसा अपेक्षा नहीं रखते थे कि इतना गंदा गाली देना महाप्रभु। महाप्रभु तो चुप हो गए, लेकिन उनके शिष्यों को रहा भी
महाप्रभु के भक्त। तो महाप्रभु के भक्त चोरी से एक चिट्ठी लिखी थी प्रभुधर्म सरस्वती और लिखे कि सिंहों बलि द्विरत सुकर्मान से भोगी संवत सरेण कुरुते रतिमेक बार पारा वसत थिन सखा कणमात्र भोगी कामी भवे तनुदिनम बदकोत्र है। तो जब खाने से ही इंद्रिय बारण होता है तो सिंह तो रात दिन मांस खाता है। सिंहों द्विरत बड़े 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 पशु जो मांसाहारी जीव है वे सिंह जीवन भर मांस खाता है, हमेशा ताजा मांस खाता है। लेकिन संवत सरेण कुरते रतिमेक बार जीवन में एक बार स्त्री संग करता है, एक ही बच्चा पैदा करता है सिंह। पारा वसत तृण सिखा कणमात्र भोगी कामी भवे तो अनुदिनम बदकोत्र हेतु। कबूतर है, पक्षी है, वे केवल हवा पानी पी करके रहते हैं, खाते अधिक नहीं। और वे लोग एक दिन में 100 बार परिश्रम करते हैं। कामी भवे तो अनुदिनम बदकोत्र, इसका कारण क्या है? जब खाने से ही है तो इसका कारण यह सुन करके प्रबोधा संसदी राम साहब अब उत्तर देना चिट्ठियों के लिए बंद कर। लेकिन निंदा बंद नहीं। जब सन्यासी है तो उसको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। मैं सुना हूं कि वो दो चार भावकों के साथ रहकर नाचता है, गाता है पागल जैसे। इस साधु का क्या काम सन्यासी होता है? ये बड़ा भारी तांत्रिक है, अपने रूप के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित कर लेता है। हमसे मिले तो मैं बताऊं उसको ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती वहां अहंकार रहते थे। तपन मिश्र इत्यादि भक्तों को देख करके रहा नहीं गया, इतना कान मूंद लेते थे। एक बार तपन मिश्र इत्यादि गए और जाकर के कहे महाप्रभु की चर्चा किए ये ऐसे हैं, इतना जो श्रीमद् भागवत में महापुरुषों का लक्षण बताया गया है, दान लंबी पूजा, मोटे मोटे नेत्र, ललाट, उच्च, ये सब महापुरुषों का जो दिव्य लक्षण है वो गौर में है। तो प्रकाशानंद सरस्वती का है कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है महाप्रभु का। इसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा किए, काशी आए। काशी में महाप्रभु को जो जो भी देखा सब प्रभावित हुआ, बहुत दिन तक काशी में रहे। लेकिन मराठी ब्राह्मण और तपन मिश्र इत्यादि मिलते थे महाप्रभु को, एक बार प्रबोधानंद सरस्वती से मिला दिए, प्रकाशानंद से एक बार मिला दिए, लेकिन महाप्रभु मिलना नहीं चाहते। महाप्रभु मिले भी नहीं, महाप्रभु चले गए वृंदावन। यह सुन करके प्रबोधानंद सरस्वती कहा कि निश्चित वह तांत्रिक, हमारे पास उसकी भाव भंगिमा नहीं चल सकती, इसलिए भाग गए। महाप्रभु फिर वहां से निकल करके प्रयाग गए, रूप गोस्वामी पाद से मिले, फिर वृंदावन गए। वृंदावन में आकर के यहाँ पर राधा कुंड इत्यादि 84 कोस की यात्रा किए, पुनः लौट करके महाप्रभु काशी गए और वहां पर फिर सनातन गोस्वामी से और 2 महीना तक सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते, प्रबोधानंद सरस्वती से मिले नहीं। अब अंत में सब भक्त लोग रोने लगे कि अब आपकी निंदा हम लोग कान से सुन नहीं सकते। तो महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण आए और कहे कि आज आपका निमंत्रण है, और वो वहां भी निमंत्रण दे दिए थे प्रबोधानंद सरस्वती। अब वो 10-50 सन्यासियों के बीच में महाराज वेदांत का चर्चा कर रहे थे, विशाल दिव्य सिंहासन पर बैठे। महाप्रभु आए तो देखिए, किसी को परास्त करना है तो विद्वता से कभी परास्त नहीं कर सकते, ये महाप्रभु की शिक्षा है। बड़े बड़े विद्वानों की हैकड़ी तोड़े गौर महाप्रभु, लेकिन छोटा बनकर, बड़ा बनकर के नहीं। ये गौर का एक बहुत बड़ी विशेषता, गौर करके भगवान की विशेषता है। भगवान कहीं भी गए हैं आज तक, राम या कृष्ण, रावण के पास भगवान राम गए तो एकदम छोट भगवान, ये बहुत बड़ी कला है भगवान, ये जीवों में नहीं आ सकता। तो गौर महाप्रभु उनके प्रबोधानंद सरस्वती के सभा में गए
वो दिव्य सिंहासन पर बैठे थे, शास्त्र चर्चा हो रही थी। अगौर महाप्रभु वहीं पर जहाँ नाली होता है, गंदी नाली, वहाँ पैर धोए वन बैठे। प्रकाशानंद सरस्वती पहली बार देखे थे गुरु महाप्रभु का उन्नत तेज श्री विग्रह, लगता था कोटि कोटि ब्रह्म की ज्योति श्री गौर के दिव्य सभी से प्रकाशित हो रहा। एक शब्द बोलना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, महाप्रभु के दिव्य तेज को देख करके प्रकाशानंद सरस्वती को अपने सिंहासन पर बैठने से तुरंत नीचे उतर करके आए, श्री गौरांग महाप्रभु के चरण प्रणाम किए। महाप्रभु से पहले झुक गए और कहने लगे कि नहीं नहीं, आपका ये स्थान नहीं, चलिए। खींच करके हाथ पकड़ करके ले और फिर वहां पर महाप्रभु से शास्त्रार्थ होते हैं। महाप्रभु कहे कि मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, आप इतने बड़े, मैं आपके चेला जो भी नहीं और मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं। शास्त्रार्थ क्या करना है, गौर महाप्रभु ने मौन प्रवचन किया, अपना दिव्य तेज प्रकाश प्रकाशित किए, जिससे बिल्कुल वे हतप्रभ हो गए। अब उन्हें ताकत नहीं था कुछ बोलने की, इतना ही पूछे कि आप इतने बड़े तेजस्वी हैं, देखने में महापुरुष जैसा लगते हैं, लेकिन ऐसा कर्म क्यों करते हैं? भाव को जैसे नाचना गाना, पागलों जैसा रहना, ये किस शास्त्र में लिखा है, किस सिद्धांत में? तो श्री गौरांग महाप्रभु कहे क्या करूं, मैं अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने हमको उपदेश दिया कि तुम कृष्ण नाम संकीर्तन करो। तो मैं गुरु जी की बात मानकर कृष्ण नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। गुरु अमार मूर्ख देखी करिया शासन। श्री गौरांग चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि जब श्री गौर कह रहे हैं महाप्रभु की, जब मैं अपने गुरु जी के पास गया तो गुरु जी देखे कि ये मूर्ख है, इसको वेदांत में अधिकार नहीं है, इतना बड़ा तो विद्वान है नहीं कि वेदांत चर्चा करेगा, उपनिषद के मंत्र पढ़ेगा। सबसे अच्छा है कि ये मूर्ख है, ये कृष्ण नाम जपो सदा, यही मंत्र सा, इसी कृष्ण नाम का कीर्तन करो, इसी से तुम्हारा काम करेगा। तो मैं अपने गुरु महाराज के आदेश किसे जपने लगा। फिर मैंने पूछा कि प्रमाण क्या है, क्यों हम हरे कृष्ण जपे कीर्तन करें? तो उन्होंने एक प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण दे, कहा कि हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते वो गति गण्यत। यह सुन करके प्रबोधानंद सरस्वती तो पहले से जानते थे, साधारण तो विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वो जानते थे। ये जब सुने तो वास्तव में डर गए। लिखा गया हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवल, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल। आज यदि नाम छोड़कर और कोई साधन करता है तो कहते नास्ते दो, नास्ते नास्ते ही गति रहने, कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह सुन करके प्रबोधानंद सरस्वती बस में। फिर पूछे कि ठीक है, तो मैं मान लिया नाम संकीर्तन कलयुग का परम धर्म है, लेकिन आप वेदांत श्रवण क्यों नहीं करते, वेदांत श्रवण में क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कि वेदांत श्रवण में कोई दोष नहीं है, मैं अधिकारी नहीं, कलिहति कलयुगी प्राणी कोई वेदांत का अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, केवल नाम संकीर्तन का अधिकारी। तो मैं तब कहे कि ठीक है, आप कीर्तन भजन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रोते क्यों हैं, नाचते क्यों हैं, पागल जैसा इधर उधर दौड़ते क्यों, क्या बात है? तो कहे कि एक हमको पता नहीं, हम नाम संकीर्तन करने लगे और करते करते पागल होकर हरी बोल कभी कहने लगे, कभी नाचने लगे, पागल जैसा इधर उधर दौड़ने लगे, हमको ये तो पता नहीं चला, लेकिन सब नवद्वीप के लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके कहे कि ये गौर पागल, सब बड़े बड़े विद्वान मीटिंग किए कि जब से आया है गया धाम से तब से पागल हो गया, कीर्तन करता है पागलों जैसा, कोई वेदांत चर्चा नहीं, पहले तो कितना अच्छा था, पढ़ाता लिखाता था लड़कों को, लेकिन अब तो कोई पढ़ाता नहीं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि गुरु जी इस व्याकरण का सूत्र का अर्थ बता दीजिए, तो कहेंगे कृष्ण नाम से ही सिद्ध हो जाएगा, और करने के लिए ये धातु कैसे बने, कृष्ण नाम से ही। तो सब मीटिंग कर लिए, नवदीप के लोग सब मीटिंग किए,
और मीटिंग करके कहे कि अब ये पागल हो गए, इसका बुद्धि काम नहीं कर रही, तो मैं भी एकांत में बैठा बैठ करके विचार की सचमुच में पागल हो गया क्या। तो मैं अपने गुरु जी के पास गया और गुरु जी से कंप्लेन किया कि वह मंत्र दिला गोसाई कि वह तार बोल जपिते जपिते मंत्र भैलो पागल। हे गुरु जी आप कैसा मंत्र दे दिए, इसका कैसा प्रभाव, मैं आपके आदेशानुसार ये तो जपने लगा लेकिन हम तो पागल हो गए। तब गुरु जी ने भागवत का एक श्लोक बताया, श्लोक बताया कहा कि नहीं बेटा तुम नाम जप रहे हो उसका फल प्राप्त हो गया है, नाम का प्रभाव यही है, नाम भी रट रहे हैं संसार में पैसा भी कमा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं तो नाम का फल नहीं, नाम रटने पर संसार से ऊपर उठ जाए, जैसे संसारिक प्राणी रहता है वैसे भक्त नहीं रहते, तभी लोग कहते हैं कि हम लोगों से अलग हो गया, उन लोगों को मीटिंग खाना पीना पैसा कमाना संसार का काम करना भक्त नाम रट रहेगा उसको अच्छा लगेगा स्वाभाविक, उसकी लोक बाह्य स्थिति आ जाएगी, संसारिक लोगों से बिल्कुल अलग रह जाएगा, भीड़ में नहीं जाना चाहेगा, कहीं एकांत में जाकर के प्रभु का नाम लेगा। तो उन्होंने प्रमाण बताया कि देखो ये श्रीमद् भागवत में नव जोगेश्वर कहते हैं कि जो भगवान श्री हरि का नाम जप करता है उसकी ये स्थिति हो जाती है, एवं द्रुत चित्त उच्चै कहते हैं कि कोई भी नाम रटेगा, वास्तव में आज भी मैं देखता हूं जो निरपराध होकर नाम रटता है उसके आंख से आंसू गिरते हैं, बहुत सब साधकों में आया है, बिगनिंग प्रारंभिक अवस्था में सब हो गया है, सबको मन करता है घर छोड़कर जाऊं भजन करूं, लेकिन जब महात्मा बन जाता है और यहाँ खाने का नियंत्रण नहीं करता इधर उधर निंदा चुगली चालू हो जाता है तो ठप हो जाता है, सबको हुआ है प्रारंभिक अवस्था से, मैं देखा हूँ प्रारंभिक अवस्था में जब नाम रटते थे तो क्या क्या अनुभूति होता था आनंद, आज वो नहीं होते, इसका कारण यही है क्योंकि संसारिक प्राणियों से पाप होता है, साधु से केवल अपराधी होता है और अपराध से ये संकुचित रहता है, खाना पीना रहना स्वभाव ये सब बदल जाए, ये यदि साधक रहे जिस स्टेज में प्रारंभिक वही प्रारंभिक अवस्था हमेशा रह जाए तो इसी जन्म में वो प्राप्त करते, लेकिन ये अपराध हो जाता है, भगवान न जाने कहाँ से आ गया है, साधु होने के बाद दान दक्षिणा पैसा खाली बहुत खतरनाक चीज है, भक्ति को समूल चौपट कर देते हैं, मान प्रतिष्ठा, आज इसको लोग सोचते हैं कि भक्ति बढ़ गई है भक्ति घट गई, कह रहे एवं व्रत, इस प्रकार यदि कोई व्रत ले लेता है कि मैं नाम जपूंगा कीर्तन करूंगा, 64 माला का 16 माला में रुला जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, सबको आया हुआ प्रारंभिक अवस्था में भजन करने सबको स्थिति आती मन में अनंत प्रकार की आना क्या हम नहीं कर सकते, द्वंद्वता टूट जाता है निर्द्वंद हो जाता है, घर में रहें कि घर से बाहर आकर भजन करना, ना घर में रहेंगे ना ऐसा जगह रहेंगे जहाँ भजन करना, ऐसी स्थिति आ जाती है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या, इस प्रकार कोई साधक प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं अब जीवन में केवल आपका नाम रखूंगा तो जाता अनुराग जाता अनुराग हो जाता है, प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति हो जाती जाता अनुराग, तब क्या करेगा द्रुत चित्त उच्चै, जब अनुराग होगा तो अब समाज में नहीं रहेगा, उसका रोना गाना चलना फिरना, हम लोग कल गए थे राधा दामोदर जी में तो एक माता जी थी कि पिताजी थे उसको तो पिता नहीं साड़ी पहने हुए थे, इतना जोर से हम लोग परिकर इतना जोर से सब चारों तरफ के लोग देखने लगते क्या हो ऐसा, कोई लोग सोचते होंगे पागल हो गया लेकिन ना है महाभाव की स्थिति, ऐसे गौर महाप्रभु करते थे, महाप्रभु इतना जोर से चिल्ला देते तो सामने क्या हो, एक महात्मा था किसी संत के साथ रहता था उसकी ऐसा भाव जगता ओ इतना जो जय जय श्री राधे 12 बजे रात को करते थे गांव वाले आ जाते हो क्या गया
कहता था ऐसा विरह की आग कभी कभी से जाता है, एक स्थिति आ जाती है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्य जाता अनुराग, अनुराग अद्भुत चित्त उच्च। अब हम पंडित हैं, विद्वान हैं, हम सब जो हैं सब भूल जाते हैं, एकदम साधारण स्थिति है, नाचने लगता है, गाने लगता है, समाज का कोई परवाह नहीं, ऐसी स्थिति है। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, कभी हसत थो रौदति रौति गायति, कभी हंसने लग जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। लोक बाह्य स्थिति है, यह सुनकर कि प्रकाशानंद सरस्वती तो सब साधारण नहीं है। देखिए सन्यासी कैसा भी होता है, इस शब्द प्रमाण पर बड़ा जोर देता है। जो विद्वान लोग हैं जल्दी समझ जाते हैं, मूर्ख थोड़ा देर लगाते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं, जो विद्वान है तर्क नहीं कर समझ जाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र है ना, राम अतर्क बुद्धि मन मानी मति हमारे यश सुनहु सयानी। ये तर्कान अप्रतिष्ठान, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि देखो भैया भक्ति करना है तो तर्क मत करो, यदि तर्क करने की इच्छा है तो चलो ज्ञान मार्ग में, बाधे बाधे जाए तत्व बोध, झगड़ा करते करते तत्व का बोध हो जाए, लेकिन भक्ति पक्ष हठ नहीं शठ ताई, दुष्ट तर्क बहु दूर भगाई। भक्ति में हठता और शठता नहीं, तर्क प्रवृत्ति भक्ति में नहीं। भक्ति का मतलब ही है शरणागति, शरणागति का अर्थ होता है एक ने कही दूसरे ने मानी और नानक कहे दोनों ज्ञानी। इसमें तर्क नहीं, बस गुरु जी जो कह दिए बस हम स्वीकार कर लिए, अब हमारा अब कर्म हम करें तो जाओ ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में नहीं। श्री गौरांग महाप्रभु भक्ति के आचार्य कहे कि हम गुरु जी से प्रश्न पूछा नहीं, गुरु जी हमको कहे कि तुम कृष्ण नाम जपो यही मंत्र सार है, मैं इसमें प्रश्नोत्तर नहीं किया कि क्यों हम कृष्ण नाम जपे, हम उनके बात को मान करके कृष्ण नाम जपने लगा, देखो हमारी स्थिति क्या होगी। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है जो प्रकाशानंद सरस्वती खूब लड़ाई किए, लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु के तेज के आगे उनकी विद्या खुशी काम कर रहे हैं। श्री गौर के आंखों में उसका सारा विद्वता जल गया, बह गया, और कुछ रहा है महाराज जी। प्रकाशानंद सरस्वती श्री गौर का सबसे बड़े भक्त हुए, 10,000 सन्यासी के साथ एक दिन ही छे, बस अब हम भगत कौन नाम संकीर्तन हुआ। चेतन चरितामृत में लिखा गया है कि उस दिन काशी में भक्ति की बाढ़ आ गई, जो ज्ञान चर्चा होता था गली गली गौर चर्चा हो गई, जहां जहां देखे वही प्रकाशानंद सरस्वती महात्म वैष्णव बन गया और वो भी नाचता है, प्रबोधानंद सरस्वती नाचने लगे। गौर वरुण देश दीप का भी लिखा गया है कि साक्षात